दोस्तों मैं रिवील करने वाला हूँ आज मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ सिलाई का, कटिंग का और स्टिचिंग का। और मेरा अच्छा खासा 1.5 लाख सब्सक्राइबर से भी प्लस हो चुका है और इस चैनल पे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कैसे पूरा हुए, कितना दिन से काम कर रहे हैं और कितना पैसे कमाते हैं, या आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कितना कमा सकते हो और कितना दिन वीडियोज बनाने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो A to Z बताने वाला है। चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए, मैं जो हूँ एक दर्जी हूँ और जरूरी नहीं है कि आप एक दर्जी ही मेरे वीडियो से आप सीखकर बना सकते हो। आप जिस फील्ड में हो, मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो। तो बने रहिए वीडियोस पे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक टेलर हूं, तो मैं टेलर का वीडियो कैसे बनाता हूं। यहां पे देखिए, मैंने ये मार्का इतना कर रखा है और ये मेरा स्टेन, और वहाँ देखिए स्टैन यहाँ होल्डर है, वहाँ पे मोबाइल फंसा देता हूँ और इस तरीके से मोबाइल को फिक्स कर देता हूँ, मिलाकर बिल्कुल फिक्स कर देता हूँ बैक कैमरे से। और जितना दूर में होने वाला रहता है उतना देर में मैं क्या करता हूँ कि कितना दूर में वीडियोज कैप्चर हो रहा है उतना तो मैं मार्का लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक स्केल मेरा चिन्हासी हो जाता है, या इस तरीके से मैं चकमिट्टी का मार्का लगा देता हूँ और इधर देख लेता हूँ कि देखिए यहाँ भी मार्का लगा हुआ है कि इतना दूर मेरा वीडियोज कैप्चर हो रहा है। तो जो भी काम करना है इसके अंदर में ही करना है, इसके बाहर में मुझे नहीं करना है, परफेक्ट। और ये रहा मेरा कंप्यूटर, तो मैं ये खरीद लिया और इससे मैं एडिट नहीं करता हूँ, मैं एडिट मोबाइल से ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी मोबाइल है चाहे जितना का है उसी से आप हर काम कर सकते हो, वीडियो भी शूट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो किस ऐप से करते हैं वो भी बताएंगे लास्ट में। तो देखिए कितने लोग कहते हैं ना, और मैं तो ये कटिंग का बता दिया और यही स्टैंड को लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टेबल बैठता हूँ और ये मेरा मशीन रहा, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंड खड़ा कर देता हूँ, मोबाइल को हैंडल कर देता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ इतना पे, और मैं काम करता रहता हूँ और ये आराम से शूट होते रहता है। तो कभी कभी मैं करता क्या हूँ कि कटिंग का वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसी समय मैं वॉइस बोलता हूँ और रिकॉर्ड हो जाता है, साथ साथ दोनों हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ भाड़ होता है, ये देखिए रोड के किनारे मेरा शॉप है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है ना, तो मैं आवाज़ नहीं दे पाता हूँ, या कोई कारीगर काम कर रहा है तो मैं काम आवाज़ नहीं डाल पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ और घर पर जाके और इसका जो नापी का है उसका फोटो खींच लेता हूँ, घर पे जाके वॉइस ओवर कर लेता हूँ, शांति से बैठकर वॉइस ओवर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये लगन, अभी सॉरी अभी छठ पूजा काम है तो काम काट लिया हूँ इतना, और मैं सोचा कि चलो भाई मैं काम, टाइम नहीं मिलता है मेरे दोस्त, ये देखो घर जाने के लिए, घर बगल में है लेकिन खाना मंगवा कर यहीं पर खाते होते हैं और यहीं पर रहते हैं, अच्छे तरीके से हम काम करते हैं। और ये हमने गेट जो लगवाया था इसलिए लगवाया था कि बाहर से आवाज़ नहीं आएगा और आराम से हम वीडियो बना सकते हैं। तो मेरा सक्सेस है, ये गेट लगाए हुए तो आवाज़ उतना नहीं आता है मेरा। 90% वीडियो ऐसा मिलेगा कि मैं यहीं पे बोलता हूँ और कटिंग कर लेता हूँ, 10% ऐसा वीडियो है जो मैं वॉइस ओवर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों करना पड़ता है भाई, कि कभी कारगर बढ़ गया तो मैं नाइट में अधिकतर मैं वीडियोज बनाता हूँ कटिंग का वॉइस देकर। और मैं अब चलिए मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ कि मैं कितना दिन से वीडियोज बना रहा हूँ और कितना दिन बनाने के बाद मैं कमाना शुरू किया और कमाता हूँ तो कितना कमाता हूँ आप सबको फाइनली बताने वाला हूँ। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे प्ले बटन आपको दिखता होगा दो, ठीक है। तो इस पे जो सिलाई वाला इस पर 1.5 लाख प्लस है और ये जो आप देख रहे हो ब्लॉग का इस पर 5 लाख प्लस है, लेकिन ये शॉर्ट से आया है, लॉन्ग वीडियोज पे व्यूज नहीं आता है। जिसपे आप वीडियोज देख रहे होंगे इस पे लगभग 100 व्यूज, 150 व्यूज, 500 व्यूज आता है। और जो मेरा RS% डिजाइन बुटीक सिलाई वाला है इसमें कोई कोई वीडियो वायरल जाता है, नहीं तो इसमें भी व्यूज आता है 500, 1000, 2000 के बीच में मेरा व्यूज रह जाता है। और एक और चैनल है सिलाई का ही, उस पर भी व्यूज 400-500 आता है 3 चैनल का। और मैं टोटल इनकम कर लेता हूँ 500 से लेकर 1000 तक डेली का यूट्यूब से, ठीक है। और दो मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, उसको भी मैं काम नहीं करता हूँ, तो खैर छोड़िए यही वीडियोज मैं उस पर डालता हूँ, तो फेसबुक पे उतना पसंद नहीं मिलता, लेकिन रील्स पे भी जो है अच्छा खासा, यूट्यूब से अच्छा खासा रील्स पे फेसबुक पे पैसा बन रहा है। तो इसलिए मैं अभी इसी के रिलेटिव अब जो है मैं रील्स की नहीं बनाता हूँ भाई, और बनाऊंगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, रील्स भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के डेट में मेरा वाइफ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रहा है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। अब चलिए मैं कब से यूट्यूब पे आया, तो मैं यूट्यूब पे दोस्त आया 19 से हूँ, ठीक है। 2019 से मैं यूट्यूब करना शुरू किया, पहले से ही किया, 18 से ही किया, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था, ऐसा ही वीडियोज किसी का वीडियोज जो
फेसबुक पर आता था ना, उसी को मैं वीडियोज डाल देता था उस पर। लेकिन धीरे धीरे मैं एक्टिव काम करना शुरू किया 2019 से, ठीक है। तो मैं ये सिलाई का वीडियो मैंने शुरू किया शुरू शुरू में, ठीक है। नहीं, शुरू शुरू में मैं सिलाई के वीडियो नहीं, सॉरी दोस्त, मैं जो वीडियो आता था ना वो डालता था, मैं बता दिया, दूसरे दूसरे के वीडियो में डाल देता था। उसके बाद मुझे पता चला रियल वीडियो के बारे में, तो मैं सिलाई का ही स्टार्ट किया और कुछ दिन लगभग सिलाई का वीडियोज बनाया मैंने, साल भर नहीं सक्सेस हुआ। फिर मैं कॉमेडी करने लगा, फनी टीम बनाकर मैं फनी वीडियो बनाने लगा, उस पर भी सब्सक्राइबर 1000 हो गए थे, 800 हो गए थे, लेकिन टीम टूट गया। और उतना जो नियम जितना होता है उतना नियम नहीं मालूम था, कुछ कुछ एडिट करने आ गया था, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं मोटिवेशन का चैनल खोला, वो क्या बोलते हैं, संदीप महेश्वरी को देखकर मैं बहुत सारा वीडियो उनका दिखता था, और वैसा ही चैनल खोला, वो भी नहीं चला। उसके बाद मैं सोचा कि अब जो है भोजपुरी में मैं बोलूँगा, और एक और चैनल खोला, उसको भी भोजपुरी नाम करके, भोजपुरिया छोड़ा इस तरीके से। और मैं बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, वो भी नहीं चला। फिर मैं बहुत ज़्यादा आदत हो चुका था वीडियोज बनाने का, तो लगभग इसी तरीके से 3 साल बीत गया। उसके बाद फिर जो है मैंने क्या किया कि सिलाई का ही चैनल बनाया, और रात रात भर उठ कर चिल्ला चिल्ला कर वीडियोज बनाना शुरू किया। बहुत सारे लोग हमको, जो जहाँ शॉप है, ये मेरा जो दुकान है, तो इसके बाहर बहुत सारा दुकान है, मार्केट है अंदर, तो सब कोई मुझे बोलने लगा कि ये पागल हो चुका है यूट्यूब के पीछे। और यूट्यूबर मैंने बहुत ऐसे इतना नाम पड़ गया था कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत मुझे वैसे वैसे नाम से पुकारा जा रहा था, लेकिन कोई बात मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं काम करता गया। एक दिन क्या हुआ कि मोबाइल फूट गया, लेकिन यूट्यूब का ऐसा भूत सवार था कि मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया, और बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसा लिया गांव के लोगों से, चुप्पे चोरी जाके मोबाइल खरीदा। फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, फिर सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मैंने गर्जियन से बात भी सुना, पैसा को कैसे कैसे सधाया, फिर ऐसे ही। लेकिन जब कर्ज हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा और मेहनत हार्ड कर दी है। दिन में वीडियोज बनाते थे बहुत, ये सिलाई का काम करते थे, और रात में वीडियोज बनाते थे सिलाई का ही, और बहुत आँख मूंद के वीडियोज बनाने लगे, एकदम बेहतर बेहतर वीडियोज देखते थे सिलाई का, और उससे बेहतर बेहतर आवाज़ में एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाए और डाले, और मेरा मेहनत सक्सेस हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, और मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया, RS% डिजाइनर बुटीक, ठीक है। और बहुत प्यार मिला इस पर, बहुत सारा लोग जुड़े और अच्छे तरीके से सिलाई सीखे, और ये देखिए इससे, और उसी से मैंने ये इनाम भी मिला, ये मेरा इनाम मिला हुआ है RS डिजाइनर बुटीक, जो सिलाई है ना, पैसा मिला, गिफ्ट मिला ना, एक आदमी दिया खुश होकर, जैसे कि सिलाई सीखा मेरे चैनल से, तो खुश होकर पैसा दिया आउट ऑफ कंट्री से, मैंने ये मशीन उसके चिन्हासी के लिए ले लिया, ठीक है। वो नाम रिवील नहीं करूँगा भाई, क्योंकि वो माना किए थे, और खैर छोड़िए। अब जो है मैं पार्ट टाइम में इनकम कर लेता हूँ, लगभग 1000 रुपया यूट्यूब से कर लेता हूँ, और दुकान से हो जाता है, बस यही मेरा इनकम है। अगर आप भी चाहते हो, तो आप चाहे जिस लाइन से हो मेरे दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि आप टेलर हो, जिस लाइन से हो उसी लाइन में आप वीडियोज़ बनाओ, उसी कैटेगरी का वीडियोज़ बनाओ और डालते रहो। जैसे कि आपका भाई 4 साल लगातार टीम बदलता रहा, काम बदलता रहा, चैनल बदलता रहा, और लास्ट में वही चैनल सक्सेस हुआ जिसमें मेरा हुनर ज़्यादा था, यानी कि जानकारी ज़्यादा था। तो आपको भी जिस लाइन में ज़्यादा जानकारी है उसी लाइन में आप वीडियोज बनाइए, जैसे आप किसी को हंसा सकते हैं, हंसाने की क्वालिटी है तो हंसाने की बनाइए, या आप कोई मिस्त्री है तो वो चीज़ आप किसी दूसरे को सिखाइए, वो अच्छा खासा आपका चलेगा, 100% चलेगा, हाँ। लेकिन कितना दिन में आप सक्सेस होगा ये आपके ऊपर है, सीखने के ऊपर है और सिखाने के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। आप उस लाइन का वीडियो देखिए और उससे हट के वीडियो बनाइए, तब जाके आप सक्सेस हो पाइएगा। उसके बाद मैं सीख गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो साथ साथ मैंने दो दो चैनल और खड़ा किया, शॉर्ट्स का भी, और एक और चैनल है सिलाई का, वो भी खड़ा किया, पेज को भी मैंने खड़ा कर लिया, फेसबुक पेज को भी, दो दो पेज को खड़ा कर लिया। तो इसी तरीके से आप करोगे तो और सीख जाओगे तो कोई भी चीज़ आसान हो जाता है, नहीं तो आप चाहो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जो कर रहे हैं और वीडियो डालते हैं छोड़ देते हैं, वैसा मत करो मेरे भाई। जब तक आप थंबनेल नहीं बनाना शुरू करोगे, जब तक वीडियो एडिट करना नहीं शुरू करोगे, मैं शुरू शुरू में एडिट किया टाइम मास्टर से, उसके बाद VN आ गया, तो मैं VN से वीडियो एडिट करता हूँ। और इस तरीके का आप सर्च मारोगे कि VN से कैसे वीडियो एडिट करें, बहुत सारा आ जाएगा, थंबनेल कैसे बनाए, बहुत सारा वीडियो जाएगा, आप लोग सीख सकते हो।
और मेरे जैसा आप इनकम कर सकते हो। अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो आपका वेलकम है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ और अपना राय जरूर दो, वीडियोस कैसा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि इसमें 50, 100 या 20 से ज्यादा नहीं आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आएगा उतना उतना आदमी तो मेरे साथ है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग मुझसे हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें। और हाँ, इसी कैटेगरी में शॉर्ट्स जो बनाएंगे कमेटी का, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।